करनाल सहकारी शुगर मिल के नवीनीकरण करने का मामला लगभग एक दशक अटक जाने की वजह से गन्ना उत्पादक किसानों में असंतोष सुलगने लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मिल के नवीनीकरण का शिलान्यास का पत्थर लगाने के बाद एक साल से अधिक का अरसा गुजरने के बाद किसानों का धैर्य जवाब देने लगा है। इसके चलते किसानों से आज से शुगर मिल के गेट पर धरना दिया। यह धरना 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 12 फरवरी को शुगर मिल के गेट पर रास्ता जाम करेंगे। भाकियों में इस बात को लेकर रोष पनपने लगा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने के बाद भी मिल के नवीनीकरण मामले में कोई भी आज तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। हम तो अब आर पार की लड़ाई करेंगे जी। 10 तारीख तक हमारा धरना चलता रहेगा, उसके बाद 12 तारीख को हमने तो रोड जाम करना है। इस बार हमने यूं खाली आश्वासन लेकर नहीं जाना चाहते। कुछ ना कुछ इसमें करके उठाएंगे, क्या मारेंगे, क्या जीवन कुछ भी हो। किस चीज को लिए क्या आपसे कुछ वादा किया गया था? आपके जो नेता थे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपके नेता भी आपके साथ नहीं है? हमारे नेता जो हमारे किसान यूनियन के नेता वो तुम्हारे साथ हैं, पर जो ये राजनीतिक नेता आई हैं तुम्हारे साथ नहीं। ये तो हमें झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे वादे कर हम ये 2-4 साल से हमारी ये बात चल रही है कम से कम, और 2-1 साल से ऊपर तो ये जो चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पत्थर लगा कर रैली करके और ये कह दिया भाई 1 साल के अंदर हम इस शुगर मिल को चालू कर देंगे। अब 1 साल 1 महीना करीब होने को आ रहा है, अब तक यहाँ 1 रोड़ा 1 ईंट नहीं लगी, कोई नीम नहीं खुदी। अब तक भी हमें तो जब भी हम इसके बारे में पता करने आते हैं या पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, फाइल चल रही है वो हमें नहीं पता। वो फाइल अमेरिका था होगी या वह फाइल ऑस्ट्रेलिया था होगी। हमारी मांग ये है कि जी इसको बड़ा कराया जाए, नवीनीकरण किया जाए इस मिल का। ये बहुत पुरानी है, पिछले 2 साल पहले कितना बड़ा हादसा हुआ था, लोगों की जान बच गई थी। ये शुक्र मनाओ परमात्मा की दया थी, सरकार ने तो हमारे साथ बुराई करने में कोई कसर रखने रखी। मेरा मैं तो आपका अध्ययन जिला संरक्षक बैठना हमारी मजबूरी, और क्या करें, क्योंकि CM साहब ने जब 29 सितंबर को पीछे एक बार स्टेटमेंट दी थी कि अभी 29 सितंबर को इसकी ये जो है टेंडर प्रक्रिया जारी हो जाएगी, और 1 महीने तक तकरीबन सारी प्रक्रिया पूरी करके 1 महीने के अंदर से काम चालू हो जाएगा। लेकिन आज फरवरी आ चुकी है, फरवरी 2019, आज तक इसके नाम पर एक ईंट तक नहीं आई। शर्म की बात है कि CM साहब अपने मुंह से 2-2 बार घोषणा कर चुके पूरी मीडिया के सामने, और उसके बाद भी 1% भी रिजल्ट नहीं है, काम स्टार्ट ही ना हो, शर्म की बात है। इससे पर क्या होगा, जारी रहेगा धरना। ये धरना 1 से लेकर 10 तक शांति प्रिय रहेगा। इस दौरान अगर हमारे बीच में कोई भी नेता, राजनीतिक आदमी या कोई अफसर आकर हमारी संतुष्टि कराता है तो बात अलग है, नहीं तो 12 तारीख को ये रोड जाम किया जाएगा, चाहे जो मर्जी हो। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, कई संगठन बन गए, कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप भी वो भी जिम्मेदार हैं? भारतीय किसान यूनियन एक थी, एक है और एक रहेगी, ये एक है। मेरा नाम सुरेंद्र सांगवान है, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रवक्ता।